Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and you all are doing good. Dear students, आज मैं लेके आया हूं much awaited topic जो कि बहुत ही ज्यादा important है. First in the world आप यहां screen पर देख सकते हो. तो अगर बेटा competitive exams की बात करेंगे तो इस concept पे एक question जरूर आता है. इस concept के related एक या दो questions paper में हमें देखने को मिलते हैं. Dear students, what we are going to cover in this video, what we are going to discuss in this video, इसमें हम पढ़ने वाले हैं first in the world. इसमें बात करेंगे हम supports के बारे में, adventures के बारे में, discoveries के बारे में और inventions के बारे में. Okay बेटा, तो पहला question जो है बेटा, यहां आप screen पर देख सकते हो, first person to land on the moon. Competitive exam की बात करेंगे बेटा तो ये concept जो है ये बहुत ही ज्यादा important बनता है. ठीक है, okay. First person to land on moon, पहले पर्सन का नाम बताना है जो कहां पहुंचा था पहले मून पे. ठीक है बेटा, हां तो उसका नाम है, ये आपने बचपन से सुना होगा, फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, वो है नील आर्मस्ट्रांग. नील आर्मस्ट्रांग और उसके बाद उसको फॉलो किया बुज एल्ड्रिन ने. किसने? बुज एल्ड्रिन ने. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे देख सकते हो. तो पहला क्वेश्चन जो है बेटा, फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून इज नील आर्मस्ट्रांग. द फर्स्ट शटल, पहले शटल की अगर हम बात करेंगे टू गो इन द स्पेस, जो कहां गई थी स्पेस में, तो अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दैट विल बी कोलंबिया. ठीक है बेटा, तो दूसरा सवाल जो है फर्स्ट शटल टू गो इन स्पेस, तो इसका आंसर जो है दैट इज कोलंबिया. ओके, फर्स्ट टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट टेस्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच ऑन मार्स. ठीक है बेटा, अगर पहले स्पेस क्राफ्ट की बात करेंगे जो कहां पे पहुंचा था, मार्स पे पहुंचा था, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दैट इज विकिंग फर्स्ट. विकिंग फर्स्ट. ओके, चले आगे चलते हैं. जितने भी इस टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे ना बेटा, मैंने कोशिश की कि मैं हर कोई क्वेश्चन आपके लिए लाऊं. द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अगर पहले वुमन प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे किस मुल्क की, इंग्लैंड की, तो इसका आंसर जो है बेटा दैट इज मार्गरेट थैचर. मार्गरेट थैचर, ठीक है बेटा, ये पहली औरत थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी. कहां पे बेटा? इंग्लैंड में बेटा. इंग्लैंड की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहां की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? वो है मार्गरेट थैचर. ओके, फर्स्ट मुस्लिम वुमन, अगर फर्स्ट मुस्लिम वुमन की बात करेंगे जो क्या बनी थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, किस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी थी पहली मुस्लिम वुमन, तो वो है पाकिस्तान. नेशन का नाम है पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेनजीर भुट्टो. क्या है बेटा? बेनजीर भुट्टो वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है बेटा, ओके आगे चलेंगे. द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट, अगर पहले वुमन की बात करेंगे जो कहां पे पहुंची थी, शबाश, माउंट एवरेस्ट पे, उसका नाम है मिस जिनको पैबी. क्या नाम है बेटा? मिस जिनको पैबी. ये कहां की है? ये जापान की थी बेटा. ठीक है, ओके. द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की अगर हम बात करेंगे, अगर यूनाइटेड नेशन की बेटा बात करेंगे ना, यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था किस लिए? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. और इस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन्स है बेटा, और पहले ऑर्गन का नाम है जनरल असेंबली, जिसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं. और अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, जो इसका हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट. वो होता है क्या बेटा? प्रेसिडेंट होता है. तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसका नाम क्या है? विजया लक्ष्मी पंडित. क्या नाम है बेटा? विजया लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट. तो अगर पहले फीमेल की बात करेंगे, पहले वुमन की बात करेंगे जो प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसका नाम क्या है? विजया लक्ष्मी पंडित.
इस सवाल पे बच्चा कंफ्यूज ना होना, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, ये अगर वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे तो पहली मुसलमान औरत जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो थी बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान में बनी, ठीक है बेटा, पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में अभी पहले बनी मगर इसके साथ साथ वर्ल्ड में भी ये पहली मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है बेटा। ओके आगे चलते हैं। ओके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद करना होगा, इसमें कोई चीज कंसेप्चुअल नहीं है बेटा, फिर आपको क्या करना है, आपको रटना है, ये कंसेप्ट आपको रटना है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए तो इस पीडीएफ में से, इस वीडियो में से आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं बेटा, ठीक है, एग्जाम में आए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, और जो सवाल अब बनेगा आपके एग्जाम के लिए तो वो भी यहां से ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन टू स्पेस, पहले मैन का नाम बताना है जो कहां गया था स्पेस में, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है यूरी गगारिन। क्या नाम है बेटा, यूरी गगारिन। ये कहां का है, शबाश रशिया का। आगे बढ़ेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन टू स्पेस, उसका नाम है यूरी गगारिन, ठीक है बेटा, रशिया का है। आगे बढ़ेंगे, द फर्स्ट बैट्समैन, अगर पहले बैट्समैन की बात करेंगे यहां पर सपोर्ट है बेटा, द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 टेस्ट सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव टेस्ट ऑन जो उसके पहले मैचेस थे, ठीक है बेटा। हाँ, पहले बैट्समैन का नाम बताना है जिसने स्कोर किया 3 टेस्ट में 3 सेंचुरी सक्सेसिव, यानी कि लगातार 3 सेंचुरी, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्या नाम है बेटा, मोहम्मद अजहरुद्दीन वो बैट्समैन है बेटा जिसने लगातार 3 टेस्टों में 3 सेंचुरीज किए हैं, ठीक है बेटा। हां, आगे, द फर्स्ट मैन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, पहला मैन कौन था, पहले इंसान का नाम बताना है जिसने क्लाइम्ब किया माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, दो बार जो माउंट एवरेस्ट पे गया है, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है नवांग गांबू। क्या नाम है बेटा, नवांग गांबू, याद करिए, नवांग गांबू इज ऑनली द पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है बेटा, ये पहला इंसान है जिसने दो बार क्लेम किया, कहां बेटा, माउंट एवरेस्ट पे क्लेम किया, ठीक है बच्चा। ओके, ये चीजें आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, इस टॉपिक पे आपको कोई और सोर्स कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कंसेप्ट के रिलेटेड है मैंने सभी क्वेश्चन लाए, ठीक है बेटा। हां, ओके, द प्रेसिडेंट, द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंसी, पहले प्रेसिडेंट का नाम बताना है बेटा जिसने रिजाइन किया कहां से, प्रेसिडेंट शिप से, ठीक है बेटा, प्रेसिडेंटशिप से जिसने क्या किया, रिजाइन किया, तो पहले यूएस प्रेसिडेंट था वो, तो उसका नाम है रिचर्ड निक्सन, ठीक है बेटा। क्या नाम है, रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन, ये यूएसए का वो पहला प्रेसिडेंट था जिसने प्रेसिडेंटशिप से क्या किया बेटा, रिजाइन किया। ओके, अब है यहां पे फिट नहीं है, यहां पे फर्स्ट बेटा, क्योंकि हम फर्स्ट इन वर्ल्ड ही पढ़ते हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मैंने पहले ही बोला यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जब वर्ल्ड में 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना बेटा, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर को एंड करने के लिए और वर्ल्ड में पीस रखने के लिए, नेशंस को सिक्योरिटी देने के लिए एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इन 1945 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, ठीक है बेटा। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका एक सेक्रेटरी जनरल होता है, इसके 6 ऑर्गन है, एक है जनरल असेंबली जो अभी हमने डिस्कस किया कि उसका हेड प्रेसिडेंट होता है, और पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, दैट वाज विजया लक्ष्मी पंडित। और अगर बात करेंगे जो 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का बेटा, तो वो है क्या है, सेक्रेटरीट, और सेक्रेटरीट का जो हेड होता है ना बेटा वो होता है सेक्रेटरी जनरल, और यूनाइटेड नेशंस
कि अगर हम बात करेंगे इसके पहले सेक्रेटरी जनरल कौन रहे हैं, उसका नाम है ट्राइगिवलाई। क्या नाम है बेटा? ट्राइगिवलाई। ये कहां का था? ये था बेटा नॉर्वे का। ये भी याद रखे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ट्राइगिवलाई की अगर बात करेंगे, ट्राइगिवलाई वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेट अस स्लाइटली गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेटा, अमेरिका जो देश है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेटा, जो कि सुपर पावर बना 1945 में आफ्टर डिफीटिंग द एक्सिस पावर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स को, जैसे कि जर्मनी, इटली को हराया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूएसएसआर ने मिलकर हराया, तो इसके साथ साथ फिर हुआ कोल्ड वॉर बेटा। कोल्ड वॉर जब हुआ तो 1990 में क्या हुआ, कोल्ड वॉर में यूएसए ने किसको हराया, यूएसएसआर को हराया। तब तक दो सुपर पावर्स थे, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था, ठीक है बेटा। तो वर्ल्ड में दो सुपर पावर थे कोल्ड वॉर में 1990 तक, और 1990 में यूएसए डिफीटेड यूएसएसआर इन कोल्ड वॉर। आफ्टर दैट जो वर्ल्ड है यह यूनिपोलर बन गया, और यूनिपोलर का मतलब है यहां पर एक सुपर पावर बना, सिर्फ एक सुपर पावर, वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, इसका पहला प्रेसिडेंट कौन रहा है, उसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन बच्चा। यहां पे देखिए आप, जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई एम रिपीटिंग दीज नेम्स ट्वाइस थ्राइस, व्हाई सो, ताकि आपको याद रहे बेटा, ठीक है बेटा। हाँ, आपके लिए सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। आगे चलेंगे बेटा, अब करेंगे बात फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना बेटा, यानी कि जब चाइना आजाद हुआ ना, हाँ, आजाद चाइना में पहला प्रेसिडेंट कौन बना है, पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या है जो रिपब्लिक ऑफ चाइना में बना, उसका नाम है डॉक्टर सन यत्सिन। क्या नाम है? सन यत्सिन, डॉक्टर सन यत्सिन। ये वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट किसका प्रेसिडेंट था, पहला प्रेसिडेंट, ठीक है बेटा, किसका प्रेसिडेंट, रिपब्लिक ऑफ चाइना का, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम यूके भी कहते हैं बेटा, यूनाइटेड किंगडम। अगर बात करेंगे इंग्लैंड की, ग्रेट ब्रिटेन की, इनमें डिफरेंस है बेटा, इनमें डिफरेंस है। और कौन सी डिफरेंस है ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में, ये हम किसी वीडियो में पढ़ेंगे जब हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप यहां पे याद रखे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आएगा या यूके आएगा, वो तो आंसर यही है, रॉबर्ट वॉलपोल। याद रखे बेटा, रॉबर्ट वॉलपोल जो है, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब ये सवाल जो है ना, ये ग्रेट ब्रिटेन को क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन को ग्रेट इसलिए कहते हैं, एक रीजन ये है, Once there was an era, एक वक्त ऐसा था, एक दौर ऐसा था, world was under the subjugation, world was under the domination of Britain, ठीक है बेटा। तो इस domination की वजह से, इस greatness की वजह से, इस ताकत की वजह से, इसको कहते हैं Great Britain। आगे चलते हैं, Pakistan's first governor general, पाकिस्तान नेशन जो है, पाकिस्तान नेशन के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ओके बेटा, पाकिस्तान स्टेट जो है ना बेटा, 1947 से पहले, एक ओवरव्यू यहां पे देता हूं। बिफोर 1947, इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वॉज ऑनली वन नेशन, ये सिर्फ एक देश था, एक नेशन था, ठीक है बेटा। एंड बिफोर 1947 इट्स नेम वॉज इंडिया एंड इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। In 1947, when India got independence, India में मुसलमान भी थे, ठीक है बेटा। हाँ, बांग्लादेश भी इसी इंडिया में था। India got independence, after independence partition हुआ, bifurcation हुई, India was divided into two states, one पाकिस्तान जहां पे मुसलमान रहते हैं, एंड वन इंडिया, इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान, ठीक है बेटा। हाँ, हिंदू मेजॉरिटी है यहां पे, हिंदुस्तान, यहां से पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ था एक ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जिसको आप हम बांग्लादेश कहते हैं, जो कि 1970s में बना है, ठीक है बेटा, 1970s में वो पाकिस्तान से निकला है, ठीक है बच्चा। ओके, ये पॉइंट आप क्लियर करिए, आगे चलते हैं। गुड, यहां पर फर्स्ट रैशन, सिर्फ भी इसके कहते हैं रैशन,
यानी कि यूएसएसआर को सोवियत यूनियन के नाम से भी हम जानते हैं, सोवियत यूनियन के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, यूएसएसआर को हम सोवियत यूनियन के नाम से भी हम जानते हैं। और ये रशिया की बेटा अगर हम बात करेंगे, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए में जो कोल्ड वॉर था, जो कि 1945 से ही स्टार्ट था और कुछ बुक्स में लिखा है 1947 और ये चला 1990 तक बेटा। 1990 में यूएसएसआर को यूएसए ने हराया। हराया कैसे? यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड। यूएसएसआर जो है ये क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है, स्प्लिट हुआ, स्प्लिट हुआ अलग अलग स्टेट्स में। और उन स्टेट्स में से 15 स्टेट्स में से सबसे पावरफुल स्टेट और जो सेंटर में स्टेट थी उसका नाम था रशिया। और रशिया ने किसका जगह ले लिया? यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर की जगह पे आज हमें रशिया देखने को मिलता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इसी रशिया और सोवियत यूनियन की अगर हम बात करेंगे, इसका हाँ फर्स्ट रशियन सोवियत प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, पहला सोवियत प्राइम मिनिस्टर जो कि कहां आया है? इंडिया आया है बेटा, इंडिया आया है। ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा निकोली बल्गेनिन। क्या नाम है बेटा? निकोलाई बल्गेनिन नाम है, निकोले बल्गेनिन, ठीक है बेटा। हाँ आगे चलते हैं। फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर ऑफ इंडियन सॉइल, पहला यूरोपियन जिसने इन्वेड किया हिंदुस्तान की धरती पे, हिंदुस्तान के सॉइल पे, उसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। याद करिए, फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर है ये जिसने इंडिया पे क्या किया? इन्वेड किया। उसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। पहला मैन कौन था जो स्पेस में चला गया था? उसका नाम है मेजर यूरी गगारिन। ये यूएसएसआर का था, ठीक है बेटा। हाँ, फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाँ, पहला इंसान कौन था, फर्स्ट मैन कौन था जिसने वॉक किया, कहां? स्पेस में वॉक किया। तो उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है अलेक्सी लिनोव। क्या नाम है बेटा? अलेक्सी लिनोव। ये भी कहां का था? ये रशिया का, ठीक है बेटा। रशिया का अलेक्सी लिनोव जो है उसने पहले वॉक किया, कहां बेटा? स्पेस में वॉक किया। यहां तक समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट तो उसका नाम क्या है? शाबाश, डेनिस टिटो। डेनिस टिटो कहां का? यूएसए का। आगे चलते हैं। फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून, ये मैंने पहले ही बोला कि पहला इंसान जो चांद पे गया था उसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। मगर ये कहां का था ये भी याद रखे बेटा, यूएसए की पर्सनैलिटी नील आर्मस्ट्रांग ने पहले कदम रखा कहां? चांद पे रखा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। शाबाश, फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एरोप्लेन, पहला इंसान कौन था जिसने फ्लाई करवाया किसको? एरोप्लेन को। तो ये दो ब्रदर्स थे, राइट ब्रदर्स इनको कहते हैं, ठीक है बेटा, राइट ब्रदर्स। और इन दो ब्रदर्स का नाम क्या है ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। हाँ, राइट ब्रदर्स इनको कहते हैं, ये दो भाई है जिन्होंने फ्लाई किया क्या? एरोप्लेन को, ठीक है बेटा, पहली बार। आगे, फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल, पहला इंसान कौन था, पहला मैन कौन था जो कहां पहुंचा था? नॉर्थ पोल पहुंचा था, ठीक है बेटा। जो पहले नॉर्थ पोल पे गया है उस इंसान का नाम बताना है, उसका नाम है रॉबर्ट पेरी। क्या नाम है बेटा? रॉबर्ट पेरी। आगे चलते हैं, फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल, अब यहां से नॉर्थ पोल, यहां से साउथ पोल, ठीक है बेटा। ये दो पोल्स है, ये हो गया एक पोल नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। ये बीच में होता है इक्वेटर, क्या होता है बेटा? इक्वेटर होता है। फिर होते हैं लैटिट्यूड्स बेटा, लैटिट्यूड्स होते हैं। फिर होते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड्स, ऐसे होते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? हाँ, इनका काम क्या है तो ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। और ये पोल जो है ना, ये पोल और जो यहां पे एरियाज होते हैं, और जितना क्लोज एरिया किसको होगा? पोल को होगा, तो उतनी ज्यादा सर्दी वहां पे होगी। और जो इक्वेटर के नजदीक क्या होगा? इक्वेटर के नजदीक जो भी एरियाज होंगे उनमें क्या होती है बेटा? उनमें गर्मी होती है, ठीक है। ऐसे ही साउथ पोल की भी अगर हम बात करेंगे, तो एक इंसान गया नॉर्थ पोल पे और पहला इंसान जो कहां चला गया? साउथ पोल पे बेटा, साउथ पोल पे। उसका नाम क्या है? यहां पे आप देख सकते हो, रियाल्ड एमुडसन। क्या नाम है बेटा? रियाल्ड एमुडसन नाम है। ओके, अगर हम बात करेंगे ये लैटिट्यूड्स की, लैटिट्यूड्स की थोड़ा ओवरव्यू देता हूं। इन लैटिट्यूड से हमें पता चलता है कि कौन सा नेशन
कितनी दूरी पे है इक्वेटर से, कितनी दूरी पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे डिग्रीज में, हम लिखते हैं 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है बेटा, 4 डिग्री की अगर हम बात करेंगे, 2 डिग्री की अगर हम बात करेंगे, तो वहां से हमें पता चलता है बेटा, वहां से पता चलता है कि इक्वेटर के नजदीक, इक्वेटर के नजदीक नेशन कितना है। और पोलर पोलर रीजन जो है तो वो हमें पता चलता है इन्हीं लैटिट्यूड से, जितना ऊपर ऊपर जाएंगे तो हमें लैटिट्यूड से पता चलता है कि पोलर रीजन है। एक तो ये चीज है, लॉन्गिट्यूड्स वो चीज है ना बेटा जिनसे डे और नाइट बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? डे और नाइट बनते हैं, ठीक है, ओके। और भी ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है बेटा, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ओके ओके। और एक चीज यहां पे मैं बताना चाहता हूं, ये इमेजिनरी लाइंस है बेटा, इक्वेटर इमेजिनरी लाइंस है, लैटिट्यूड्स ये इमेजिनरी लाइंस है, दैट मींस इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बेटा, ठीक है, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और जैसे मकान पोल्स पे होता है ना, वैसे अगर इस ग्लोब की बात करेंगे, दो पोल्स पे है, एक है नॉर्थ पोल एक है साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इसको क्यों डिवाइड किया गया है, इसको डायरेक्शन के लिए भी डिवाइड किया गया है बेटा। हम नॉर्थ नहीं पहचान सकते थे, साउथ वेस्ट ईस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये तो पता नहीं चलता अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर इक्वेटर ना, अगर इक्वेटर ना होता, ठीक है। और इस ये जो कंसेप्ट है ना बेटा, ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है, कभी हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, गुड। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया बेटा शायद, अगर यहां से बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, पहला इंसान क्या जिसने क्या किया, सेल अराउंड द वर्ल्ड, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है फ्रेडिनेंड मैगेलन। क्या नाम है बेटा? फ्रेडिनेंड मैगेलन वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है बेटा। हाँ, आगे, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट इंडिया, पहला यूरोपियन कौन था जो कहां आया, हिंदुस्तान आया, उसका नाम है मार्को पोलो। क्या नाम है बेटा? मार्को पोलो कि अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट यूरोपियन था जो कहां आया, टू विजिट चाइना। हां, फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, पहले इंसान का नाम बताना है जो कहां पे गया था, माउंट एवरेस्ट पे, उसका नाम है शेरपा टेंजिंग। क्या नाम है बेटा? शेरपा टेंजिंग। और इसके साथ एंड सर एडमंड हिलरी। क्या नाम है बेटा? सर एडमंड हिलरी और शेरपा टेंजिंग, इन्होंने पहले माउंट एवरेस्ट को क्या किया, क्लेम किया, ठीक है बेटा, ओके। आगे चलते हैं, यहां पे फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना, ओके। आगे चलते हैं, फर्स्ट मैन टू ड्रा द मैप ऑफ अर्थ। हां, वो फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने ड्रा किया मैप ऑफ अर्थ, ठीक है, हां, जिसने जमीन का मैप तैयार किया, उसका नाम है एनैक्सिमेंडर। क्या नाम है बेटा? एनैक्सिमेंडर। फर्स्ट मैन टू कंपाइल एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है बेटा। हाँ, पहले इंसान का नाम बताना है जिसने कंपाइल किया, किसको, एनसाइक्लोपीडिया का, एनसाइक्लोपीडिया को जिसने कंपाइल किया, उसका नाम क्या है, शबाश एस्पियोसिस। क्या नाम है बेटा? एस्पियोसिस। ये कहां का? एथेंस का। आगे, फर्स्ट मैन विन नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, पहले इंसान का नाम बताना है जिसने नोबल प्राइज जीता है, किसमें, लिटरेचर में बेटा, उसका नाम क्या है, सुली प्रिधोमी। क्या नाम है बेटा? सुली प्रिधोमी। ये कहां का? फ्रांस का। आगे चलते हैं, फर्स्ट मैन टू विन नोबल प्राइज फॉर पीस, पहले इंसान का नाम बताना है जिसने नोबल प्राइज जीता है, किस पे, पीस पे, उसका नाम है हेनरी डुनेंट। क्या नाम है बेटा? हेनरी डुनेंट। ये कहां का? स्विट्जरलैंड का। और इसके साथ साथ फ्रेडरिक पैसी ने भी जीता जो फ्रांस का है, एफ से याद रखे, एफ से फ्रांस, ठीक है बेटा, फ्रेडरिक पैसी, फ्रांस का। आगे, फर्स्ट मैन टू विन नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स, पहले, ये वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, मैं जो अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा ना, उसमें हम फर्स्ट इन इंडिया डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो हम फर्स्ट इन वर्ल्ड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैन टू विन नोबल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में पहले किसने नोबल प्राइज जीता, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है डब्ल्यू के रोडजिन। क्या नाम है बेटा? डब्ल्यू के रोडजिन। कहां का है? जर्मनी का। ओके, आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हुआ? हां सर, हुआ, ओके, गुड गुड। आगे चलेंगे, फर्स्ट
मेंट विन नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, पहले इंसान का नाम बताना है जिसने नोबेल प्राइज जीता है केमिस्ट्री में, तो उसका नाम क्या है? जैकोबस एच वेंट हॉप्ट। ठीक है बेटा, ओके, ये कहां का? हॉप्ट से, होलैंड। आगे चलेंगे, फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, पहले इंसान का नाम जिसने मेडिसिन पे क्या नोबेल प्राइज जीता है पहले, उसका नाम क्या है? ए वन बहरिंग। क्या नाम है बेटा? ए वन बहरिंग। ये कहां का? जर्मनी का। यहां तक समझ में आया बेटा? ओके सर, ये टॉपिक जो है ये थोड़ा हेक्टिक है, बट इस टॉपिक को आपको करना क्या है? रटना है बेटा, रटना है। एक दिन में 2-3 बार पढ़िए, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और मैंने कोशिश की कि मैं सिर्फ आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके, यहां से फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, पहले इंसान कौन थे जिसने नोबेल प्राइज जीता किस पे बेटा? इकोनॉमिक्स पे जीता। उसका नाम क्या है? रॉगनर फ्रिच नाम है। क्या है? रॉगनर फ्रिच नाम है उसका। ये कहां का? शबाश, रॉगनर फ्रिच नॉर्वे का। एंड और इसके साथ, यहां पे आप देख सकते हो जान टिन बर्जन। क्या नाम है बेटा? जैन टिन बर्जन। ये कहां का? होलैंड का। इन्होंने पहले इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता। आगे चलते हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट एंड ओनली ब्लैक मैन एवर टू विन सिंगल्स विंबलडन ट्रॉफी की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट एंड ओनली ब्लैक मैन की अगर हम बात करेंगे जिसने क्या जीता सिंगल्स इन विंबलडन ट्रॉफी, उसका नाम क्या है? आर्थर एशी। इसका नाम है आर्थर एशी। ये कहां का? शबाश, यूएसए का। फर्स्ट एक्शन टू हेयर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी जिसको कहते हैं, फर्स्ट एक्शन कौन था जो आईसीसी का हेड बना था, उसका नाम क्या है? जगमोहन दालमिया। क्या नाम है बेटा? जगमोहन दालमिया। ओके, फर्स्ट मैन टू हिट डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल मैच में पहले क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने डबल सेंचुरी मारी थी, उसका नाम है शबाश। ये गुरु है क्रिकेट का, सचिन तेंदुलकर। ये कहां का है? इंडिया का। सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट प्लेयर, ये पहला प्लेयर है जिसने डबल सेंचुरी की थी किसमें? वन डे क्रिकेट में बेटा। आगे चलते हैं, फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो बुक्स के हिसाब से वो क्या तो है? हिंदुइज्म है बेटा। ओके, बुक्स के हिसाब से हिंदुइज्म है। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड की बेटा अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आंसर है दैट्स हिंदुइज्म। आगे चलेंगे बेटा, फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट अ बुक, पहले नेशन का नाम बताना है जिसने प्रिंट किया है किसको? शबाश, बुक को। ओके, तो नाम है उस नेशन का चाइना। क्या नाम है बेटा? चाइना। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री, चाइना वो पहला देश है जिसने प्रिंट किया है किसको? किताबों को, बुक्स को। द फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी, पहले देश का नाम बताना है जिसने पेपर करेंसी इशू की, तो उसका नाम है चाइना। चाइना ने पहले क्या किया? बुक्स को भी प्रिंट किया और इसके साथ साथ पेपर करेंसी को भी क्या किया बेटा? इशू किया। आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंट्री टू कमेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विसेज, पहला मुल्क कौन था जिसने कमेंस किया, अनाउंस किया किसके लिए? कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विसेज। ठीक है बेटा, हाँ, तो वो भी क्या है? वो देश भी चाइना ही है। चाइना फर्स्ट कंट्री है जिसने कमेंस किया कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। ओके, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अगर यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे जनरल असेंबली की, तो पहला जो उसका गवर्नर बना था वो था शबाश ट्राइगेव लाई। ठीक है बेटा, ट्राइगेव लाई। आगे चलते, फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सपोर्ट जो है ना बेटा वो आपके सिलेबस में होता है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स, अभी तक तो हमने एडवेंचर्स को डिस्कस किया और बीच बीच में सपोर्ट्स के क्वेश्चन भी आए थे, और इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा इन्वेंशंस और डिस्कवरीज पे। ठीक है बेटा, हाँ, तो वो क्या है? उस देश का नाम है उरुग्वे। क्या नाम है बेटा? उरुग्वे। उरुग्वे फर्स्ट कंट्री जिसने क्या जीता है फुटबॉल वर्ल्ड कप। ओके, आगे चलते हैं, फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन, पहले देश का नाम, यानी कि फर्स्ट कंट्री का नाम बताना है जिसने संविधान बनाया है।
जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कानून की किताब को बनाया है, दैट्स यूएसए, दैट्स यूएसए। इसका मतलब यह है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री दैट प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिटीजन्स। ओके, द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट नैम समिट्स, नैम समिट्स। ओके बेटा, इस पर थोड़ा बहुत आउटलाइन देता हूं। अगर हम नैम की बात करेंगे ना, नैम का मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या नाम है बेटा? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अगर कोल्ड वार की बात करेंगे ना बेटा, कोल्ड वार की बात करेंगे, कोल्ड वार ये दिमाग का ब्रेन वार था, ठीक है बेटा। हाँ, इट वॉज जस्ट अ टेंशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसआर। यूएसए और यूएसआर के बीच में कोल्ड वार हुआ, कुछ नेशन यूएसए का साथ दे रहे थे और कुछ नेशन यूएसआर का साथ दे रहे थे। वो नेशन both nations that had not joined either of the superpowers, USA or USSR, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, किस लिए? कोल्ड वार को क्या करने के लिए? कम करने के लिए, इस टेंशन को खत्म करने के लिए। तो उन्होंने बनाई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है बेटा। थर्ड वर्ल्ड नहीं था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉज यूएसए, सेकंड वर्ल्ड वॉज यूएसएसआर, एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस वॉज फॉर्मड बाय द नेशंस that had not joined either of the superpowers, that had not joined either of the power blocks, rather than they tried to mitigate the tension, yani ki inke beech mein jo tension tha, inke beech mein jo war tha, unki koshish thi ki hum is war ko kya kare, kam kare, theek hai beta। okay, to wahi nam aur iska main maqsad kya tha? peace tha, theek hai beta, peace ha, aman। to first country jisne host kiya nam summit ko, yani ki pehli summit hui belgrade mein, belgrade kahan pe? Yugoslavia mein, theek hai beta। okay, द फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक इंडिया, पहले यूरोपियन का नाम बताना है जिसने अटैक किया है इंडिया को। यह रिपीट हुआ, यह क्वेश्चन हम यहां डिस्कस किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस, पहले देश का नाम, फर्स्ट कंट्री का नाम बताना है जिसने लॉन्च किया आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, किसमें? स्पेस में, ठीक है बेटा। तो कंट्री का नाम है रशिया, रशिया इज द फर्स्ट कंट्री दैट लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस। ओके, आगे चलेंगे, यहां तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, यहां पे मॉडर्न नहीं है बेटा, यहां पे मॉडर्न ओलंपिक्स, ठीक है बेटा। मॉडर्न ओलंपिक्स की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट कंट्री कौन कंट्री थी जिसने होस्ट किया मॉडर्न ओलंपिक्स को, तो नाम क्या है बेटा? ग्रीस। क्या नाम है बेटा? ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल अगर देखेंगे तो वो क्या है बेटा? एथेंस। तो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, एथेंस ग्रीस, ठीक है बेटा। ओके, द फर्स्ट कंट्री ऑन विच द एटम बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड, पहला देश या फर्स्ट कंट्री, यानी कि वो देश जिसपे क्या किया गया, गिराया गया एटम बॉम्ब्स को, वो देश का नाम क्या है बेटा? जापान। हिरोशिमा पे और नागासाकी पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है बेटा। ओके, तो एटम बॉम्ब्स की अगर हम बात करेंगे, परहैप्स एक का नाम था फैट मैन और दूसरे का नाम परहैप्स आप ये चेक करिए, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है बेटा। हाँ, ये दो एटम बॉम्ब्स का नाम है जो गिराए गए थे जापान के दो एरियाज पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, ठीक है बेटा। हाँ, तो गिराए किसने थे? यूएसए ने, ये भी याद रखिए, यूएसए ने गिराए थे। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ओके, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली, ये भी एक बार फिर से रिपीट हुआ है, विजयालक्ष्मी पंडित, ठीक है बेटा, विजयालक्ष्मी पंडित। 1953 में ये पहली औरत थी, पहली वुमेन थी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनी थी। आगे बेटा, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, तो इससे पहले भी यह सवाल आया था, मगर तब वो सवाल कुछ अलग था। फर्स्ट वुमेन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है बेटा, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर। यहां पे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? एस बंदर नैकी। क्या नाम है बेटा? एस बंदर नैकी। कहां की? श्रीलंका की पहली औरत थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी अपने देश में। ओके, फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फर्स्ट वुमेन टू रीच एंटार्क्टिका, पहली औरत, हाँ, फर्स्ट वुमेन का नाम बताना है जो पहुंची थी कहां? एंटार्क्टिका में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम क्या है? कैरोलीना, ठीक है बेटा, कैरोलीना मिचेलसन या माइकलसन भी इसको कुछ पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो, कैरोलीन मिचेलसन या माइकलसन भी आप पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट वुमेन थी जो कहां पहुंची थी? एंटार्क्टिका में। ओके, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन
अगर हम यहां पे देखेंगे, फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल, पहले देश का नाम बताना है जिसने अपॉइंट किया किसको, लोकपाल को, तो इसका नाम क्या है, स्वीडन। स्वीडन स्वीडन वाज द फर्स्ट, स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री, स्वीडन वो पहला देश है जिसने अपॉइंट किया लोकपाल को। आगे, फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट टू वुमन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला देश फर्स्ट कंट्री का नाम बताना है जिसने महिलाओं को यानी कि औरतों को क्या दिया, एक हक दिया, राइट टू वोट, राइट टू वोट। ठीक है बेटा, तो क्या नाम है देश का, नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वो पहला देश है जिसने वुमेन्स को वोटिंग राइट दिया, वोट डालने का हक दे दिया। आगे, फर्स्ट कंट्री टू इंपोज कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स पहला देश या फर्स्ट कंट्री जिसने इंपोज किया था कार्बन टैक्स। ठीक है, तो नाम क्या है, न्यूजीलैंड। दोनों क्वेश्चन का आंसर है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने वुमेन्स को वोटिंग राइट दी और इसके साथ साथ कार्बन टैक्स को इंपोज किया। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट वीएटी, वैल्यू एडिड टैक्स, तो नाम क्या है, ब्राजील। और जर्मनी ने वैल्यू एडिड टैक्स को पहले स्टार्ट किया था। फर्स्ट कंट्री टू इश्यू प्लास्टिक करेंसी, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एज फार एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अगर हम बात करेंगे पहले देश की, तो जिसने क्या किया, इश्यू की क्या, प्लास्टिक करेंसी जिसने पहले इश्यू की, ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है बेटा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं बच्चा। फर्स्ट कंट्री टू इश्यू पेपर करेंसी, तो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। यहां पे और क्वेश्चन देख सकते हो बेटा, फर्स्ट कंट्री यहां पे इस क्वेश्चन को आप फिलहाल क्रॉस करिए। फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट फैमिली प्लानिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट कंट्री, पहले देश का नाम बताना है जिसने इंप्लीमेंट किया है किसको, फैमिली प्लानिंग को, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जिसने इंप्लीमेंट किया है, तो नाम है क्या बेटा, इंडिया। इंडिया हमारा देश जो है इंडिया, ये वो कंट्री है जिसने पहली बार इंप्लीमेंट किया किसको, फैमिली प्लानिंग को। ओके, यहां पे फर्स्ट कंट्री टू मेक एजुकेशन कंपलसरी, फर्स्ट कंट्री टू मेक एजुकेशन कंपलसरी, पहले नेशन का नाम बताना है जिसने एजुकेशन को क्या बनाया, एजुकेशन हासिल करना कंपलसरी है, जरूरी है हर किसी के लिए, वो है प्रुशिया। प्रुशिया और मॉडर्न डे इसको जर्मनी कहते हैं, प्रुशिया जर्मनी। ठीक है बेटा, ओके। फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स, या शाबाश जल्दी से बताइए, शाबाश अभी तो हमने डिस्कस किया। पहले देश का नाम बताना है जिसने क्या किया है, प्रिंट बुक्स को किया है और साथ साथ पेपर करेंसी भी इश्यू की है, जल्दी से आप जवाब बताइए। ओके, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। फर्स्ट कंट्री टू साइन न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद इंडिया, पहले देश का नाम बताना है जिसने साइन किया है न्यूक्लियर एग्रीमेंट किसके साथ, एक एग्रीमेंट न्यूक्लियर वेपन्स पे साइन हुआ है किसके साथ, फ्रांस वो नेशन है। आज तो दिस इज कॉमन टॉक बेटा, आज न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो रहे हैं पास, मगर पहला देश कौन था जिसने साइन किया न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया के साथ, दैट इज फ्रांस। ओके, फर्स्ट स्पेसशिप लैंडेड ऑन मार्स, पहले स्पेसशिप का नाम बताना है जिसने लैंड किया किस पे बेटा, मार्स पे। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, विकिंग फर्स्ट, ये कब, 1975, 20th अगस्त। फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्चर, ये भी हमने डिस्कस किया, दैट्स कोलंबिया। ओके, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इन टू स्पेस, अगर पहले कंट्री की बात करेंगे जिसने लॉन्च किया सैटेलाइट को किसमें शमाश टू लॉन्च सैटेलाइट इंटर स्पेस में लॉन्च किया। ठीक है बेटा, ओके, तो नाम है रशिया। तो फार्मर क्या है, फार्मर इसे कहते थे यूएसएसआर। यूएसएसआर और रशिया की अगर हम बात करेंगे, ये फर्स्ट कंट्री है जिसने लॉन्च किया सैटेलाइट किसमें, स्पेस में। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च, यहां पर देखिए आप, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट इन टू स्पेस, पहले कंट्री का नाम बताना है जिसने लॉन्च किया रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट इन टू स्पेस में। ठीक है बेटा, उसका नाम क्या है, जापान है। फर्स्ट यंगेस्ट गर्ल टू रीच माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वुमन तो अलग है, यह फर्स्ट यंगेस्ट गर्ल का नाम बताना है जो पहली बार पहुंची थी कहां, माउंट एवरेस्ट पे, जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया, उसका नाम क्या है बेटा। यहां पे आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन को नहीं भूलना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पूर्णा मकावत। क्या नाम है बेटा, पूर्णा मकावत। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं। फर्स्ट नॉन व्हाइट फीमेल, पहली फीमेल जो कि नॉन व्हाइट थी, ठीक है बेटा, नॉन व्हाइट टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, पहली नॉन व्हाइट फीमेल जिसने नोबेल प्राइज जीता किसमें, लिटरेचर में। इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन भी, इसका नाम है टोनी मॉरिसन। क्या नाम है बेटा, टोनी मॉरिसन।
was the first non-white female, non-white, एक white, एक non-white means black, black female, to win Nobel Prize, जिसने Nobel Prize जीता, किसमें बेटा, literature में, Toni Morrison, याद रखे बेटा, important है, अब हमारे पास, supports, क्या है बेटा, supports first in world, यानी कि अगर हम बात करते हैं first in world supports के बारे में, तो आपके screen पर ये सारे सवाल जो है, जो मैं लेके आया हूं, ये important है बेटा, okay, फर्स्ट टीम, पहले टीम का नाम बताइए जिसने क्या किया, जीता है डेविस कप क्या नाम है, डेविस कप यूएसए, ठीक है बेटा, यूएसए पहला देश है जिसने डेविस कप को जीता है। फर्स्ट टीम टू विन राइडर कप, राइडर कप यानी कि पहले देश का नाम बताना है, पहले मुल्क का नाम बताना है जिसने क्या राइडर कप जीता है, वो भी यूएसए, चाहे डेविस कप है चाहे राइडर कप है, दोनों कप जीते किसने, यूएसए ने। फर्स्ट टीम, फर्स्ट टीम, पहले टीम का नाम बताना है टू विन थॉमस कप, जिसने क्या थॉमस कप जीता है, थॉमस कप जीता है, तो नाम क्या है, मलेशिया, क्या नाम है बेटा, मलेशिया ने थॉमस कप जीता है, मलेशिया की टीम ने, ये पहला टीम है जिसने थॉमस कप को जीता है। फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, पहले देश का नाम बताना है, फर्स्ट कंट्री का नाम बताना है जिसने होस्ट किया, किसको होस्ट किया, मॉडर्न ओलंपिक्स को, वो थी क्या, ग्रीस। ओके बेटा, ओके बेटा, आगे चलते हैं, फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 टेस्ट सेंचुरीज इन 3 सक्सेसिव टेस्ट, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट टीम टू विन फर्स्ट टेस्ट मैच, पहले टीम का नाम बताना है जिसने विन किया है क्या, फर्स्ट टेस्ट मैच, तो नाम क्या है, शाबाश, टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया टीम। ओके, आगे, फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 400 रन इन क्रिकेट, पहला टेस्ट बैट्समैन जिसने 400 स्कोर किया है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है बेटा, उसका नाम है ब्रेन लारा, क्या नाम है बेटा, ब्रेन लारा, ठीक है बेटा, ब्रेन लारा, वो बैट्समैन है जिसने 400 पार किया किसमें, टेस्ट टेस्ट मैच में। आगे चलते हैं, फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट, ये शेरपा टेंजिंग, ये यहां पे कट करिए, ठीक है बेटा, ओके, फर्स्ट कंट्री टू विन फीफा फुटबॉल, फुटबॉल वर्ल्ड कप की अगर हम बात करेंगे, दैट इज उरुग्वे, क्या नाम है बेटा, हाँ, उरुग्वे, उरुग्वे, उरुग्वे पहला देश है जिसने क्या जीता है, फीफा वर्ल्ड कप, ओके, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट कंट्री टू विन फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, अब है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, अभी तक हमने मेन को डिस्कस किया, उरुग्वे ने जीता, ठीक है, बट दैट वॉज मेन वर्ल्ड कप, दिस इज वुमेन वर्ल्ड कप, ओके, ये किसने जीता, यूएसए ने। आगे चलेंगे बेटा, द फर्स्ट टीम टू विन क्रिकेट, हां, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है बेटा, क्रिकेट वर्ल्ड कप, दैट इज वेस्ट इंडीज, ठीक है बेटा, ओके, आगे चलते हैं, द फर्स्ट वुमेन टीम टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहां पे फर्स्ट टीम टू विन वर्ल्ड विन क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहां पे वुमेन, वुमेन, फर्स्ट वुमेन टीम, पहला वुमेन टीम जिसने किसको जीता, क्रिकेट वर्ल्ड कप को, दैट इज शबाश बेटा, इंग्लैंड, और यहां अगर बात करेंगे मैन, दैट इज वेस्ट इंडीज, दैट इज वेस्ट इंडीज। ओके बेटा, यहां पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं बेटा, ये जितना टफ लग रहा है ना, इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट इज नॉट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिपीट दीज थिंग्स, यू हैव टू रिपीट दीज क्वेश्चंस ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस, ठीक है बेटा, क्योंकि इसको तो रटना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए, इफ यू वांट टू गेट योर सीट, इफ यू वांट टू गेट योर सिलेक्शन, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू स्किप एनीथिंग, सिलेबस में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है बेटा, हाँ, यू जस्ट गिव योर 100% एफर्ट्स, आवर बेस्ट विशेस आर विथ यू, ठीक है बेटा, हाँ, और जितना हम तक है हम कोशिश करेंगे कि जो भी सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं हम बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए, आप टॉपर्स में आ जाए, ठीक है बेटा, हाँ, आगे चलते हैं, फर्स्ट टीम टू विन T20 वर्ल्ड कप, पहले टीम का नाम बताना है जिसने T20 वर्ल्ड कप को जीता, दैट्स इंडिया। आगे चलते हैं, फर्स्ट वुमेन टीम टू विन T20 वर्ल्ड कप, दैट्स इंग्लैंड, 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 ठीक है बेटा, अगर मेन T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे दैट्स इंडिया, वुमेन T20 की बात करेंगे दैट्स इंग्लैंड। आगे चलते हैं, फर्स्ट टीम टू विन हॉकी वर्ल्ड कप, पहले टीम का नाम बताना है जिसने हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, दैट्स पाकिस्तान, दैट इज पाकिस्तान, तो फीफा वर्ल्ड कप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आगे, आगे सर, फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये भी हमने डिस्कस किया बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यहां पे फर्स्ट टीम टू विन द वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करेंगे, अगर मेन की बात करेंगे दैट वाज पाकिस्तान, और अगर वुमेन की बात करेंगे, वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप दैट वाज नेदरलैंड्स 1974 में जीता। द फर्स्ट टीम टू विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पहले टीम का नाम बताना है जिसने मेन वर्ल्ड कप
ठीक है बेटा, मैन वर्ल्ड कप जीता है, दैट इज वेस्ट इंडीज 1975। और अगर बात करेंगे फर्स्ट टीम टू विन द वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है बेटा, दैट्स इंग्लैंड। T20 अलग है और वनडे अलग है, ठीक है बेटा। ओके, आगे चलते हैं। ये डेविस कप ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फर्स्ट टीम टू विन द फेड कप, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहली टीम का नाम बताना है जिसने फेड कप को जीता है, दैट वॉज यूएसए 1963, ठीक है बेटा। द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रन द 100 मीटर रेस इन अंडर 10 seconds, 10 seconds में एक इंसान ने, उस पर्सन का नाम बताना है जिसने 100 मीटर रेस को पार किया है, उसका नाम है जिम हाइनस। क्या नाम है बेटा? जिम हाइनस। ये कहां का? यूएसए का। 1968 में इसने 100 मीटर रेस को पार किया है 10 seconds में। आगे चलते हैं। फर्स्ट एंड ऑनली वुमन इन द वर्ल्ड टू रन 100 मीटर रेस इन अंडर 10.5 seconds में, 100 मीटर रेस ने एक वुमन ने किया है पहले, उसका नाम क्या है बेटा? फ्लोरेंस ग्रिफ्ट जॉइनर। क्या नाम है बेटा? फ्लोरेंस ग्रिफ्ट जॉइनर। ये कहां की? यूएसए की। 1988 में इसने ये रिकॉर्ड बनाया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, यहां से सपोर्ट्स एंड हो रहा है। अब हमारे पास डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। क्या है? डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी पे आते हैं। हम साइंस की बात करते हैं। एक इन्वेंशन होती है, यानी कि कोई इंसान कोई चीज नया बनाता है, किसी चीज को एस्टैब्लिश करता है। और डिस्कवरी ये पहले से होता है बट कोई फाइंड नहीं करता है, और जो पहली बार फाइंड करता है बट इसकी एग्जिस्टेंस ऑलरेडी होती है, तो वो बन जाती है हमारी डिस्कवरी। और जिस चीज का आइडिया नहीं होता है, अगर कोई इंसान कोई आइडिया देता है, कोई चीज नए से क्रिएट करता है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो वो हमारी बन जाती है इन्वेंशन। और जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, फिर हमारे पास वो आइडिया नहीं होता है, तो बट चीज की एग्जिस्टेंस होती है बेटा, वो बन जाती है हमारी डिस्कवरी। आगे, इलेक्ट्रॉन पहला चीज है। इलेक्ट्रॉन जो कि साइंस में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो पहले इन पे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन को किसने, शबाज बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज जे थॉमसन। क्या नाम है बेटा? जे थॉमसन, ठीक है बेटा। हाँ, इसके बाद है प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसके, किसने डिस्कवर किया है बेटा? उसका नाम है गोल्डस्टीन, ठीक है बेटा। और इस प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम किसने दिया? उसका नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है बेटा? रदरफोर्ड। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जे थॉमसन, और प्रोटॉन की बात करेंगे तो गोल्डस्टीन, बट नाम दिया है प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने 1917 में। न्यूट्रॉन की बेटा बात करेंगे तो जेम्स चैडविक आता है, ठीक है बेटा, जेम्स चैडविक। तो अगर डेट की बात करेंगे तो 1932। रेडियो एक्टिविटी की बेटा बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, दैट इज मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी एंड हेनरी बेक्यूरल। क्या है नाम? हेनरी बेक्यूरल, मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी, और इनका नाम हम टैग करते हैं रेडियो एक्टिविटी के साथ। ओजोन होल पहली बार किससे टूटा? ये अगर हम बात करेंगे ओजोन होल की, दैट इज जियो फरमान, ठीक है बेटा, जियो फरमान के साथ गॉर्डनर। क्या नाम है बेटा? गॉर्डनर और जियो फरमान। आगे चलेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले किसने दी थी? ये दी थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कि आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। इसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करेंगे तो पहली बार ये किसने दिया था? उसका नाम है दिमित्री मेंडलीव, जो कि 10th के साइनस के केमिस्ट्री पोर्शन में आप देखते हो या 9th में देखते हो पीरियडिक टेबल, ठीक है बेटा। तो ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दिया था? दिमित्री मेंडलीव ने। कब दिया था? 1869 में। यहां पे डेट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर डिस्कवरी और इन्वेंशन की हम बात करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की अगर हम बात करेंगे, जमीन के नीचे जो प्लेट्स होते हैं जो ड्रिफ्ट करते हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, अगर हम बात करेंगे इंडिया की, ये इंडिया कैसे बना, ठीक है बेटा, तो ऐसे हम कहते हैं कि दो प्लेट से, एक प्लेट ये था इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, ठीक है बेटा, और एक था पेनिनसुलर प्लेट, फिर ड्रिफ्ट किया गया, उसके बाद जो पहला हिस्सा बना इंडिया में, ठीक है बेटा, और बीच में इनके बीच में सी था, और उसका नाम टेथ सी। अगर हम देखेंगे तो टेथ सी, ये प्लेट यहां आया, ये प्लेट यहां आया, और ये सी ऊपर चला गया और वहां पे बन गए हमारे हिमालयस। ये ज्योग्राफी में कभी हम पढ़ेंगे बड़े डिटेल के साथ, और तब बहुत मजा आने वाला है, ठीक है बेटा। दिमित्री मेंडलीव ने पहले मॉडर्न पीरियड टेबल दिया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर हम बात करेंगे, जो कि ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं बेटा, एल्फोर वैगनर ने पहली बार ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी 1912 में, ठीक है बेटा। उसके बाद है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखेंगे, ठीक है बेटा, एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, एक बॉल जैसा था, एक सर्कल जैसा था, इसका क्या हुआ है, ये एक्सप्लोड हुआ है, उसके बाद ये वर्ल्ड बना है। तो वही है द बिग बैंग थ्योरी, ये भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम कभी। अभी हमारा टॉपिक जो है वो है
इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, अगर हम यहां पे इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो फिर हमारा सारा क्लास जो है ये खत्म होगा, ठीक है बेटा। इसलिए हिस्ट्री में हम बिग बैंग थ्योरी को बड़े डिटेल के साथ कभी पढ़ेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, ये थ्योरी किसने दी पहली बार, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जॉर्ज, उसका नाम है जॉर्ज लेमेत्री। क्या नाम है बेटा, जॉर्ज लेमेत्री। 1927 में इसने बिग बैंग थ्योरी दी, यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक द वर्ल्ड वाज लाइक ए बॉल एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन अगर हम देखेंगे तो ये वर्ल्ड बना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्लर ग्रुप्स का कंसेप्ट, अगर देखेंगे ब्लर ग्रुप्स का कंसेप्ट किसने दिया है, उसका नाम क्या है, कॉरल लैंडस्टीनर। क्या नाम है बेटा, कॉरल लैंडस्टीनर ने पहली बार किसका ब्लर ग्रुप का कंसेप्ट दे दिया है 1900s में। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, कोई भी पॉइंट आप मिस ना करिए, क्योंकि ये सारे चीजें जो मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है मैं लेके आया हूं। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कंसेप्ट बेटा पहली बार किसने दिया है, ओके हाइड्रोजन की बात करेंगे तो नाम हमारे जुबान पे आता है हेनरी, किसका नाम आता है, हेनरी कैंडिश। क्या नाम है, हेनरी कैंडिश, ओके हेनरी कैंडिश ने किसका कंसेप्ट दिया है, हाइड्रोजन का। उसके बाद आता है ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कंसेप्ट पहली बार अगर हम देखेंगे डिस्कवर किसने किया, उसका नाम है जोसेफ प्रीस्टली। क्या नाम है बेटा, जोसेफ प्रीस्टली। उसके बाद अगर हम देखेंगे इंसुलिन, तो ये आपको पता होगा, उसका नाम है सर फ्रेडरिक बैंटिंग। क्या नाम है बेटा, सर फ्रेडरिक बैंटिंग ने इंसुलिन का कंसेप्ट पहली बार दे दिया, अगर हम डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन की जब हम बात करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं विटामिन ए, विटामिन ए की बात करेंगे तो किसने दिया, शाबाश, विटामिन ए किसने, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने। ये याद करिए तो इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं, यहां पे याद रखिए हॉपकिंस ने विटामिन ए का कंसेप्ट पहली बार दे दिया। विटामिन के साथ हम किसका नाम जोड़ते हैं, हेनरिक डैम का नाम, ठीक है बेटा, हेनरिक डैम। इसके बाद पेंसिलिन, पेंसिलिन की अगर हम बात करेंगे तो पेंसिलिन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आता है, ठीक है, पेंसिलिन की अगर हम बात करेंगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आता है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जो सी रूट से आया था, जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है बेटा, वास्को डी गामा, तो इसने डिस्कवर किया है इंडिया को। यह चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। सेल की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे बेटा, हम ये डिस्कवरी और इन्वेंशन पढ़ रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल जब हम बात करते हैं तो हमारे पास, हमारे जुबान पे एक नाम आता है, बचपन से हम ये पढ़ के आए, उसका नाम है क्या, रॉबर्ट हुक। क्या नाम है बेटा, रॉबर्ट हुक। अमेरिका की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका की, तो अमेरिका को किसने डिस्कवर किया बेटा, उसका नाम है कोलंबस। क्या नाम है, कोलंबस। वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया और कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है बेटा, रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे ना बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट वाज द पर्सन वाज एल्बर्ट वॉन कोलिकर। क्या नाम है बेटा, एल्बर्ट वॉन कोलिकर। ग्रेविटी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको पता होगा, ग्रेविटी का कंसेप्ट पहली बार दिया किसने बेटा, ग्रेविटी का कंसेप्ट पहली बार दे दिया सर इसाक न्यूटन ने बेटा, सर इसाक न्यूटन ने, ओके। इसके बाद है लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो न्यूटन हमारे जुबान पे नाम आता है, लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जैसे कि थर्ड लॉ की अगर हम बात करेंगे, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है बेटा। हाँ, ऐसे ही मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, दैट इज सेकंड लॉ, या फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, जब तक हम फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई चीज मोशन में या रेस्ट में, ये चीजें तो आपको पता है। तो लॉ ऑफ मोशन किसने दिया बेटा, न्यूटन ने दिया। आगे चलेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे, ये किसने दिया, तो पर्सनैलिटी का नाम है कोलम, साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा, कोलम, ओके। आगे एटम, एटम, एटम का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया बेटा, एटम, एटम का कॉन्सेप्ट दिया जॉन डाल्टन ने। किसने दिया बेटा, जॉन डाल्टन ने। इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं। आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो हमने पढ़ा बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे.जे. थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड गोल्डस्टैन, ठीक है बेटा। हो, इसके बाद न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो जेम्स चैडविक, ओके बेटा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, अभी और कुछ नाम है उसके साथ,
इस कॉन्सेप्ट को हम खत्म करने वाले हैं। रमन इफेक्ट पहली बार किसने दिया? रमन इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो रमन से बन गया हमारा सीवी रमन। आगे चलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पहली बार किसने दिया? एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दे दिया नील बोहर ने। किसने दे दिया बेटा? नील बोहर ने, जो कि हम पढ़ते हैं किसमें, जैसे कि रदरफोर्ड ने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की है। नील बोहर पहला साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दे दिया। रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेटा बात करेंगे, ये भी है एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है बेटा। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम 10th के साइंस में पढ़ते हैं, किसने दिया है? अगर हम बात करेंगे बेटा यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास जो नाम आता है दैट्स माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन को। इसके बाद एरोप्लेन की बेटा बात करेंगे, पहली बार किसने एरोप्लेन को फ्लाई करवाया यानी कि बनाया? अगर हम बात करेंगे तो राइट ब्रदर्स आता है हमारी जुबान पे ये नाम, राइट ब्रदर्स। तो ये दो भाई थे, नाम क्या था इन दो भाइयों का, यह सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है। बारोमीटर की बेटा बात करेंगे, पहली बार ये कंसेप्ट किसने दे दिया तो उसका नाम क्या है, ठीक है बेटा? ई तुरीचली इसका नाम है, क्या नाम है बेटा? ई तुरीचली। इसके बाद सेंटीग्रेड स्केल की अगर हम बात करेंगे, इन्वेंशन ऑफ सेंटीग्रेड स्केल की, तो नाम जो है जिस पर्सन ने इनको इसको इन्वेंट किया उसका नाम है ए सेल्सियस, क्या नाम है बेटा? ए सेल्सियस। आगे चलेंगे, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर की अगर बेटा बात करेंगे, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को पहली बार किसने बनाया तो नाम है उस पर्सन का चार्ल्स बैबेज, क्या नाम है बेटा? चार्ल्स बैबेज। आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं बेटा, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, इसका जवाब बताइए आप कमेंट बॉक्स में। डीजल इंजन की बेटा बात करेंगे, इन्वेंशन ऑफ डीजल इंजन किसने बनाया, उसका नाम है रुडोल्फ डीजल। डीजल से डीजल इंजन याद रखिए, ठीक है बेटा? ओके, रुडोल्फ डीजल। आगे अगर हम बात करेंगे डायनामो की, इन्वेंशन ऑफ डायनामो की अगर हम बात करेंगे तो माइकल फैराडे है बेटा, माइकल फैराडे आप देख सकते हो। मोबाइल फोन की बेटा बात करेंगे, मोबाइल फोन पहली बार किसने बनाया, किसने इन्वेंट किया तो उसका नाम क्या है बेटा, मोबाइल फोन किसने, मार्टिन कूपर ने, किसने बेटा? मार्टिन कूपर ने। इसके बाद है सेफ्टी पिन की अगर हम बात करेंगे, सेफ्टी पिन किसने बनाया, वाल्टर हंट ने, किसने बेटा? वाल्टर हंट। ओके बेटा, वाल्टर हंट। आगे चलते हैं बेटा, यहां पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं। टेलीफोन, टेलीफोन की अगर हम बात करेंगे, टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया, ये इन्वेंशंस की अभी बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं हम इन्वेंशंस की, और इससे पहले जो हमने डिस्कस किए दैट क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन डिस्कवरीज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वो डिस्कवरीज में आते हैं, और ये चीजें किस में आते हैं बेटा, इन्वेंशंस में आते हैं। तो टेलीफोन का आइडिया या टेलीफोन को पहले किसने बनाया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये नाम तो सुना होगा, 1876 में इसने टेलीफोन को क्या किया बेटा, इन्वेंट किया। इसके बाद है रेडियो, रेडियो को पहली बार किसने इन्वेंट किया, उसका नाम है मार्कोनी, क्या नाम है बेटा? मार्कोनी। टेलीविजन, टेलीविजन फाइलो फ्रांसवर्थ, क्या नाम है बेटा? फाइलो फ्रांसवर्थ की अगर हम बात करेंगे, इसने क्या बनाया है, इसने इन्वेंट किया है पहली बार टेलीविजन को। ऑटोमोबाइल कार की अगर बात करेंगे तो कारो बेंज की हम बात करते हैं, कार्ल बेंज वाज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेंटेड ऑटोमोबाइल, ठीक है बेटा। इसके बाद स्टीम इंजन को किसने इन्वेंट किया बेटा, उसका नाम है जेम्स वाट, क्या नाम है बेटा? जेम्स वाट। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सवाल यहां से आएगा, अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं हो सकता है। वैक्सीन की अगर बात करेंगे बेटा, वैक्सीन की एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं इस टॉपिक को खत्म करूं, और जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते थे और प्रीवियस पेपर्स को देख के मैंने ये सवाल जो है, जो ये क्वेश्चन है, ये सिलेक्ट किया आपके लिए। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो पे एक लाइक करनी है, ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ इस वीडियो को वॉच करना है फर्स्ट सेकंड से लास्ट सेकंड तक, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए सारे क्वेश्चन को आपको याद करना है। मैंने पहले ही बोला कि इस टॉपिक में आपको कोई भी चीज कंसेप्चुअल नहीं मिलेगा, बल्कि इस टॉपिक को आपको रटना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, वैक्सीन की बात करेंगे, वैक्सीन, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन पहली बार किसने इन्वेंट किया, किसने बेटा? एडवर्ड जिनर नाम है, क्या नाम है बेटा? एडवर्ड जिनर। इसके बाद एमआरआई की अगर हम बात करेंगे, एमआरआई रेमंड डेमेडियन, क्या नाम है बेटा? रेमंड डेमेडियन। ओके, इसके बाद माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन जब आती है तो यह है जेड पढ़ेंगे बेटा, हाँ, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किसने की, जेड जैनसन ने और एच जैनसन ने, ठीक है बेटा। ये दो जैनसन, एक का नाम है जेड जैनसन और एक का नाम है एच जैनसन, उन्होंने इन्वेंट किया किसको, माइक्रोस्कोप को। टेलीस्कोप को इन्वेंट किसने किया, इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप की जब बेटा बात करते हैं उसका नाम है हैंस लिपरशे, क्या नाम है बेटा?
हैनज लिपरशे। इसके बाद मोबाइल फोन की अगर हम बात करेंगे बेटा, मोबाइल फोन की अगर बात करेंगे, द पर्सन वॉज मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर 1973 में इसने इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन किया, ठीक है बेटा। इसके बाद और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। एटम बॉम्ब और प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे बेटा। एक है हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है बेटा। प्रिंटिंग प्रेस को किसने पहली बार इन्वेंट किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जॉन गुटेनबर्ग। क्या नाम है बेटा? जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग ने पहली बार इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की। एटॉमिक बॉम्ब को किसने इन्वेंट किया, उसका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या नाम है बेटा? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओके, आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल हार्ट को किसने इन्वेंट किया पहली बार, ठीक है बेटा। इन्वेंट किसने किया आर्टिफिशियल हार्ट, उसका नाम है रॉबर्ट जैरविक। क्या नाम है बेटा? रॉबर्ट जैरविक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मशीन गन की बात करेंगे बेटा। मशीन गन को किसने इन्वेंट किया पहली बार, मशीन गन को इन्वेंट किया किसने? रिचर्ड जॉर्डन ने। किसने बेटा? रिचर्ड जॉर्डन। गैटलिंग, याद रखे बेटा, ये कहां का? ये अमेरिकन है। तो याद, इतना बड़ा नाम कैसे रखेंगे? इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं। यहां से आप एक काम करो तो ये नाम याद रखिए, गैटलिंग। क्या? गैटलिंग। एटम बम भी याद करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओपेनहाइमर, रॉबर्ट, हाँ, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसके बाद मशीन गन, उसके बाद बेटा लास्ट में अगर यहां पर देखेंगे तो एक्स रे को किसने इन्वेंट किया, ये याद रखिए आप, कॉनराड रोडजिन। तो नाम रखे, कॉनराड याद रखने की जरूरत नहीं है, रोडजिन, ठीक है बेटा, रोडजिन। ये कहां का? जर्मनी का। रोडजिन नाम याद रखे, ये वो पर्सन है जिसने इन्वेंशन ऑफ एक्सरे किया था, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं और भी। अब तुम्हारा जो सवाल होगा हमारे लिए वो ये होगा, सर हम क्या करेंगे, इतने सारे नाम, इतने सारे इन्वेंशन, इतने सारे डिस्कवरीज या सपोर्ट्स या एडवेंचर की अगर हम बात करेंगे, सर आपने इतने ज्यादा पढ़ाए तो हम क्या करेंगे, हम कितने याद रखेंगे? बेटा मैं कह रहा हूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो ना बेटा, टॉपर्स में सिलेक्शन चाहते हो ना, तो इन चीजों को आपको रटना पड़ेगा। इसमें कोई भी और अल्टरनेटिव नहीं है बेटा, ना कोई आपकी ट्रिक चलने वाली है। इसमें सिर्फ एक ट्रिक चलने वाली है, वो ये है कि यू हैव टू रिपीट दीज थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस, सिट्यूडियसली यू हैव टू रिपीट दीज क्वेश्चन। करना क्या है, सुबह उठ के एक घंटे तक इन नामों को क्या करना है बेटा, रिपीट करना है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दो तीन बार, तीन दिन लगातार आप इन नामों को क्या करिए, रिपीट करिए, और तीन दिन के बाद आपके नाम जो है ये आप बोल नहीं पाओगे। और क्या करना है सर, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे ये नाम आपको याद रहने वाले हैं बेटा। आपको एक काम करना है, जितने भी ये नाम हैं इनको कॉपी पे लिखना है बेटा, ठीक है। आप अपने सामने एक कॉपी, एक पेन रखे, एक कलम रखे बेटा, और लिखने से आपको ये याद हो जाएंगे। ऐसे आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट उठाओगे, फिर आप पढ़ोगे, तो श्योरली मैं कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये चीजें जो है, ये एक इंसान जो है, एक स्टूडेंट जो है, अक्सर भूल जाता है एग्जाम में। आप क्या करेंगे कि इन चीजों को हमें बोलना नहीं है और ऊपर से रटना भी है। रटना कैसे है बेटा, आपको ये कॉपी पे लिखनी है, एक एक क्वेश्चन लिखना है, और इन क्वेश्चंस को बाद में रिपीट करना है, क्योंकि आपके आई में, ठीक है बेटा, और आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी सवाल की, जब आप इस सवाल को लिखोगे, ठीक है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस इसमें थे जो हमने डिस्कस किए, जैसे कि ये बिग बैंग थ्योरी का आप याद रखें बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिग बैंग थ्योरी। या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बेटा अगर हम बात करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आपको पता है। ओजोन होल अगर हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन जो है ये कभी कभी एनवायरमेंटल स्टडी से भी पूछा जाता है, तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है बेटा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं होता है, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होता है, तो उसको ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर गलत होते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे, सर हम कैसे याद रखेंगे, ये उनके लिए है बेटा, ये उनके लिए है जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं, और उनको ये सवाल अक्सर गलत होते हैं बेटा, उनको ये सवाल अक्सर गलत होते हैं, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से आप रिपीट करें, इलेक्ट्रॉन्स किसने, अगर इनकी डिस्कवरी की बात करेंगे तो जे जे थॉमसन, ठीक है।
अगर प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन गोल्ड स्टैन, इसमें कंफ्यूज ना हो जाइए बेटा, गोल्ड स्टैन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, बट रदरफोर्ड ने नाम दिया प्रोटॉन को प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की जिनकी चार्ज न्यूट्रल होती है बेटा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जैसे हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, और न्यूट्रॉन कि डिस्कवरी अगर हम देखेंगे तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे हमारी जुबान पे आता है जेम्स चैडविक, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही सपोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस किए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको खास ख्याल रखना है। फर्स्ट टीम टू विन द T20 वर्ल्ड कप, ऐसे ही वुमेन्स टीम, ऐसे ही ICC जो है, ठीक है बेटा, उसका हेड पहले कौन बना एशिया से, ऐसे ही वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, मेन्स वर्ल्ड, ठीक है बेटा, मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करेंगे बेटा, किस टीम ने पहली बार जीता है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सवालों में से जो आपको खुद भी लगेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया में क्या पढ़ेंगे हम, एडवेंचर्स की बात करेंगे बेटा, जैसे माउंट एवरेस्ट पे पहले कौन गया, ठीक है बेटा, माउंट एवरेस्ट पे पहले कौन गया, या किसी भी एडवेंचर के बारे में बात करेंगे, और सपोर्ट्स की बात करेंगे बट रिलेटेड टू इंडिया, और ऐसे ही इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की बात करेंगे, किस पर्सनैलिटी ने कौन सा चीज डिस्कवर किया, या किस इंसान ने कौन सा चीज क्या किया बेटा, इन्वेंट किया, ठीक है बेटा। या ऐसे ही स्पेस में जब हम एडवेंचर्स की बात करते हैं, कौन हिंदुस्तानी था जिसने पूरे वर्ल्ड का पहले सैर किया, कौन वहां पे गया, कौन स्पेस में गया, कौन माउंट एवरेस्ट पे गया, तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे बेटा, या कौन औरत थी पहले जो माउंट एवरेस्ट पे गई, इन सारे क्वेश्चन को बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। दीजिए तब तक इजाजत, खुदा हाफिज़।